डॉक्टर हंसराज मान्य सदस्य, इतना ही जैसे शौरी साहब ने बोला ना। जी सर, वेरी कंस्ट्रक्टिव। जो ये माननीय पूर्णचंद जी ठाकुर यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ हाउस में लाए, मैं भी बोलने खड़ा हुआ हूँ। सर मैं सीधे सोशल इम्पैक्ट पे जाऊंगा, जो इसका नुकसान जो हमारे लोगों को भुगतना पड़ा है। मैं अभी एसपी चंबा से बात कर रहा था कि हमारे कितने लोग जेलों में हैं, विशेषकर चुराह और जो हमारा डलहौजी का और ये बरमौर का इलाका है, लगभग 600 लोग जो है वो पिछले 5 सालों में अंदर गए और 400 लोगों पे अभी केसेस चले हुए हैं। जो पूर्व में माननीय विधायकों ने कहा, मैं उनके साथ बिल्कुल एग्री करता हूं। मेरा सिर्फ मानना यह है कि आप जिस जहां बाड़बंदी करते हो, ह्यूमन नेचर रहा है, उस तरफ लोग जरूर जाते हैं। जबकि हमें इसके सारे पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स का पता है, देन हम लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? मतलब चुराह जैसा विधानसभा क्षेत्र जहां से मैं आता हूं, हमारे वहां जो है वो 5,000 के लिए, 2,000 के लिए, 1,000 के लिए जो भांग की ट्रैफिकिंग करते हैं, मतलब जो लोग उसको जो है, जो मेन बंदा है, जो इसका व्यापार करता है, जो इलीगल तरीके से ये सारी चीजें करता है, उसको तो हम आज तक पकड़ नहीं पाए। चाहे वो पठानकोट ले जाता है, चाहे पंजाब चली जाती है या कहीं और चली जाती है, उन पे हमारा कोई अंकुश नहीं रहा है, ना हम पकड़ पाए। लेकिन जो इनोसेंट लोग हैं, जिसको 2,000 की जरूरत है महीने में, 4,000 की जरूरत है या 10,000 की जरूरत है, उन लोगों को जो है वो जेलें भर गई। मेरा भराड़ा जोन का इलाका ऐसा है जहां मुझे लगता है 6 पंचायतों में भराड़ा है, लेसुई है, टिकरी है, बघेईगढ़ है, चरड़ा है, चांजू है, देरा है, जसौरगढ़ है, द्योला है। यहां से लगभग ऐसा अब तो मेरे ख्याल में 8-10 परिवारों में ऐसा कोई परिवार नहीं बचा है जहां से कोई ना कोई बंदा 10 साल के लिए, 14 साल के लिए, 9 साल के लिए अंदर नहीं हुआ है। ना हम, ना सरकारें इस चीज को हम बता पाई कि भाई सच में ये इलीगल है, और अगर लीगल तरीके से तुम करना चाहो तो कैसे कर पाओगे। इसीलिए मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, आप बहुत प्रोग्रेसिव सोच लेकर के प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं, और सर आपसे हमें बहुत उम्मीद है। सर चुराह हमारा चंबा पूरा इन होल, और उसके साथ जैसे कुल्लू के लोगों ने बताया, जैसे मंडी सराज और अपर, ये सारे इलाके हैं। मेरे दादा साहब खुद जो है वो 90 साल की उम्र में एक्सपायर हुए। ऐसा कोई दिन नहीं होता था, मैं हाउस में बोल रहा हूँ, जिस दिन वो उसका इस्तेमाल नहीं करते थे, पर वो करते थे लिमिटेड इस्तेमाल। एक तो हम जो स्नो बाउंडेड एरियाज में, रिमोट एरिया में रहते हैं, हमारी मजबूरी होती है, 6 महीने तो ठंड का आलम ऐसा रहता है, और भांग से जो है वो आपका, अगर आपके साथ घी और दही का सही मिश्रण है तो डाइजेशन भी जबरदस्त रहता है, और आप जो है वो नहीं, सच्चाई है ये, वो तो सुंदर जी को पूछो। अब मेरा ये मानना है आप लोगों से, नहीं मैं कहा, आपने विस्तृत तरीके से कहा ना जी, तो नहीं हम तो पचा ही नहीं पाए। मैं लीगली तौर पर कह रहा हूँ, कई बार हम लोग होली के त्यौहार में या किसी और त्यौहार में या और त्यौहार होते हैं, एक बार मैंने तो उसका सेवन किया था, लेकिन आप नहीं मानेंगे, 4 दिन तक मैं तो खुद ही उठ नहीं पाया। मतलब जो नहीं इसको कर सकते वो नहीं कर सकते। पर इसमें जब मेरी बेटी खुद बीमार हुई, सुंदर जी को याद होगा, मेरी बेटी टाटा तक गई जी, वो सीए का केस बन गया था, और जब उनके बोन मैरो पे सारी ये चीजें हो गई, तो डॉक्टरों ने स्पेशली कहा था, मैं ये हाउस में कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि अगर उसके तेल का इस्तेमाल आप कर लेंगे, भाई सुंदर ने भी सुजेशन दी थी, हम पिछली बार भी साथ साथ थे सर, एक जीवन बचाने का काम जो है वो इस पौधे ने किया हुआ है, औषधीय गुण तो है ही है। साथ ही साथ जो भाई सुरेंद्र शौरी जी ने कहा, पूरन जी ने कहा कि आप एक तरफ हम रोजगार जनरेट करना चाहते हैं, तो रोजगार जनरेट करें ना जी। अब अगर उत्तराखंड कर सकता है तो वहां भी तो लोग बसते हैं, वहां भी तो समाज बसते हैं, हम किसी को किसी नशे की तरफ नहीं धकेल रहे हैं। अब जैसे चिट्टा जो है, जिस तरह से प्रचारित हुआ है, जिस तरह से ये अपर शिमला में मैं देख रहा था, इसके इतने गंदे इम्पैक्ट गए हैं, हमारा ये जो ऊना और ये जो इलाके लगते हैं पंजाब के साथ, यहाँ पर तो इतनी अति हो गई है कि उनका तो 4 साल का सर्वाइवल है जो चिट्टे का आदि हो जाता है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है मेरा, कि मैंने जो आंकड़े पेश किए हैं वो बिल्कुल सही हैं। अब जो है वो परिवारों को बचाना जरूरी हो गया है, लेकिन इस तरफ अब वो भी बेचारे असहाय हैं। अब जिसको 2,000 की जरूरत है अपना परिवार चलाने के लिए, 4,000 की जरूरत है, वो तो कुछ भी करता है जी,
सर्वाइवल के लिए तो आदमी को अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ भी करना है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है हिमाचल जैसी स्टेट को भी सीरियसली जो है वो इसके इंडस्ट्रियल उसमें जाना चाहिए, उसके रेशे को कपड़ों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और जो उसके जो भंगोलू हैं मतलब जो उसका बीज है उसको हम औषधीय तरीके से इस्तेमाल कर, जरूरी थोड़ी है कि उसको मल करके जो है वो उसको हमने आगे ले जाना है। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन है सर, इसको हम उस तरह से लें सीरियसली, और इस बार आप जिस तरह से लगे हुए हैं मुझे विश्वास है कि आप इस पर भी पॉलिसी या कोई एक्ट या कुछ कानून ले करके आएंगे और हिमाचल के जो रिमोट एरिया में बसे हुए लोग हैं उन जनता को भांग की खेती को लीगल करके जो है वो आप एक उपहार देंगे। आपने मुझे समय दिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।